गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहीदों को समर्पित पर्व के अवसर पर रविवार को जटाशंकर गुरुद्वारा से एक नमन यात्रा निकाला गया, जिसका जगह जगह स्वागत किया। नमन यात्रा जटाशंकर गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर अलीनगर बख्शीपुर नखास चौक होते हुए रेती चौक पहुंचा, जहां पर भाजपा की पूर्व महापौर सत्या पांडे तथा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया। इस दौरान जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ल, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब के परिवार का बलिदान सदैव के लिए अमर है। उन्होंने कहा कि सिख समाज पिछले कई वर्षों से यह मांग करता रहा है कि अमर शहीद साहब जाधव की बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे वीर योद्धाओं एवं देश के समाज के लिए मर मिटने वाले छोटे छोटे बच्चों से प्रेरणा लेकर अपने आप को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल्ल तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है करमवीर सिंह मानते मेरा भाई सिंह जी, लाल सिंह जी मूर्ति, गुरवीर सिंह बाबू मूर्ति, सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन लिखा हुआ ना उनसे कार में है केमल प्रदेश महामंत्री हिंदू वाणी। ये चार साहबजादे जिन्होंने देश के लिए शहीद हो गए, सिख धर्मों के लिए, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए शहीद हुए, उनके लिए सिख समुदाय की तरफ से और हम सब लोगों से उनके बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार से मांग भी है। और सिख धर्म का हिंदू धर्म को बचाने में जो योगदान रहा है, इससे बड़ा योगदान धर्म रक्षा के लिए कोई नहीं हो सकता, और यह बहुत ही अच्छा कार्य होगा। सम्मानित भी किया गया लोगों के द्वारा? जी, लोगों के द्वारा आपको सम्मानित? जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे सिख समाज के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह जुलूस निकाला गया है, सुबह प्रभात फेरी भी होती है, लेकिन आज विशेष रूप से क्योंकि यह मांग भी उठी है कि चार साहबजादों की शहादत को एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात कही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यहाँ कार्यक्रम रखा था। देश भर में विभिन्न प्रकार के आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न उदाहरणों को उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही है। विगत एक सप्ताह में 22 दिसंबर से लेकर के आज 27 सितंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान दिया है। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, और जैसा हम सबको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह,
फतेह सिंह और जोरावर सिंह, चारों का बलिदान इस देश के धर्म के लिए हुआ था और उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी जी का भी बलिदान इस देश के लिए हुआ था। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। जिस प्रकार से एक मुस्लिम शासक ने जबरन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवाल में चुनवाने के लिए उठवा लिया था, धर्म परिवर्तन के लिए कहा था। 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था थी, दोनों को जबरन कहा गया धर्म परिवर्तन के लिए। दोनों ने कहा धर्म परिवर्तन तो कतई स्वीकार नहीं है। शीश झुकाने के लिए जो नवाब वजीर खां था उसने कहा, उसके सामने शीश झुकाने के लिए जब कहा गया तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था थी, उन दोनों युवकों ने कहा मेरा शीश तो केवल सिख गुरुओं के और अपने दादा गुरु के सामने ही झुक सकता है और कहीं नहीं झुक सकता। तो फिर वजीर खां ने कहा कि इनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिया, नहीं मानने पर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने के लिए कह दिया गया और 7 वर्ष के फतेह सिंह और 9 वर्ष के जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और जिंदा दीवार में चुनवाते समय जब छोटे भाई के सीने के ऊपर दीवार आई तो बड़े भाई के आँख से, जोरावर सिंह के आँख से आंसू बहा और जब उनके ऊपर गिरा तो छोटे भाई ने कहा भैया आप डर गए धर्म के लिए? तो बड़े भाई ने कहा नहीं डर नहीं गए, मैं इस धरती पर पहले आया था, मेरी अवस्था 9 वर्ष है, तुम्हारी अवस्था 7 वर्ष है और देश के लिए पहले बलिदान तू हो रहा है, ये इस नाते मुझे मेरे आंखों से आंसू आए हैं। और इसलिए इस प्रकार धर्म के लिए बलिदान करने वाले सिख गुरुओं के, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों को पूरी युवा मोर्चा की टीम, पूरे देश का युवा नमन करता है। जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है सत सत नमन करता है। निकाली जा रही है और इनकी शहीदी यात्रा है आज के, मतलब इस सप्ताह जो है पूरा ये शहीदी सप्ताह मना रहे हैं हम लोग, उसी के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है। सम्मानित भी किया गया लोगों को है? लोगों को सम्मानित किया गया है, सम्मानित भी किया गया है।